गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी स्टाइल। चलिए मैं आज आप सभी को बहुत ही इजी वे पे मेरे स्टाइल में जलेबी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसको एक बाउल में डाल देना है। 1 कप मैंने मैदा डाला, फिर आधा कप मैंने लिया है और आधा कप इसमें डाल देना है मैदा। इसमें बेकिंग सोडा डालना है। इसके बाद थोड़ा पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और बैटर बना लेना है। यहाँ पर और पानी की ज़रूरत है तो इसमें मैं और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। आपको बैटर को अच्छे तरह से 4 से 5 मिनट तक इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर इसमें पानी की ज़रूरत होगी तो आप ऐड करें, अगर नहीं ज़रूरत होगी, आपको लगे कि आपका बैटर अच्छा बन गया है तो आप पानी ऐड ना करें। मुझे पानी की ज़रूरत है तो मैं इसमें थोड़ा सा 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो फाइनली आप देख सकते हैं मेरा बैटर बन के रेडी हो चुका है। आपको भी बैटर का जो थिकनेस है ऐसे ही रखना है। तो चलिए फिर 15 से 20 मिनट तक इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं ढक के। तो एक प्लेट लेना है और इसके ऊपर ढक देना है, ढक के छोड़ देना है। मेरा बैटर सेट होता है तब तक चाशनी बना लेती हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर 1 कप और 1 कप और पानी ऐड करूँगी चाशनी बनाने के लिए। और गैस को, गैस का जो फ्लेम है उसको ऑन कर देते हैं। और 1 कप में इसमें शुगर ऐड करूंगी, चीनी, शक्कर, कहीं ये नीचे लग ना जाए तो इसको चलाते रहना है। हाफ टी स्पून में इसमें फूड कलर ऐड करूंगी, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से चला कर लेना। चाशनी बनने को ही आई है। ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट में चाशनी बन जाएगी। इसको चलाते रहना है, जब ये घना होके आए तो इसको चलाते रहना है। चाशनी मेरी बन गई है। मैं गैस का फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं 1 लीटर ऑयल ली हूँ, तो ऑयल को चेक करके देखती हूँ कि गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैं इस टाइप का एक ये ली हूँ, आप देख सकते हो। 20 मिनट मेरा हो चुका है, तो अब इसका मैं इसको बैटर जो है इसको हटा रही हूँ और इसको अच्छे से, आपका बैटर भी ऐसे ही होना चाहिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है।
मेरा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैंने इस तरह का एक बॉटल में डाल दिया है, मैं इसको बनाना चाहिए। देख सकते हो मेरा ये ब्राउन हो चुका है, तो इसको निकाल लूंगी और एक साइड में ब्राउन करने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने इसको ये दूसरा जो जलेबियाँ मेरा मेरी जलेबियाँ ब्राउन हो चुकी है उसको मैं निकाल लूंगी और चाशनी में डाल दूंगी। इस तरह से चाशनी में डैप कर लेंगे थोड़ा जलेबियों को और स्टेप बाय स्टेप सारों को बना लेंगे। मैं इसको फिर से चाशनी में डाल रही हूँ और इसको अच्छे तरह से डैप डैप कर लेना है। मुझे पतली वाली जलेबियाँ पसंद है तो मैं पतली पतली और छोटी छोटी जलेबियाँ बनाऊँ, आपको अगर मोटी जलेबियाँ पसंद है तो आप मोटी बनाएं और इसको अच्छे से चाशनी में डुबो दें। तो फाइनली मेरी जलेबियाँ बन के रेडी हो चुकी है, मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। मुझे छोटा साइज पसंद है तो मैं इसकी जलेबियाँ तो मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ ये कितना क्रिस्पी बना है। और कितना यम बना है। तो अगर मेरी वीडियो जरा से भी अच्छा लगे आपको तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रखें और खुशी बांटें।